नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई के 1-5 के छात्र हो या 6-8 के हो या 9-10 के हो या 11-12 के हो, सभी लोग का मानना था कि नवीन सर से कटऑफ पर बात कीजिए। बहुत सारे टीचर्स का कटऑफ का वीडियो आया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सर्वे भी कराया, लेकिन सभी छात्रों को कहीं ना कहीं एक अनुमान था कि नवीन सर जो भी बात बोलेंगे वो सटीक बात बोलेंगे। हर टीआरई में अच्छा काम किया है सर, कटऑफ भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है सर से। सर से कटऑफ पर आज केवल चर्चा करने वाले हैं, सभी क्लासेज का और सभी विषयों के कटऑफ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देर नहीं करते हुए डायरेक्ट कटऑफ पर बात करते हैं सर, 1-5 का कटऑफ कितना रहेगा सर? इससे सवाल ये उठता है कि हाँ। कुछ ऐसे कारण हैं जो कि कट ऑफ को नीचे और ऊपर खींचेंगे। अच्छा। इस बात को भी ध्यान रखना है, जैसे 1 candidate 1 result वाला हाँ। मामला है और सरकार बीपीएससी का वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अगर ये दो चीज को सुधार लिया जाए, यानी 1 candidate 1 result लागू कर दिया जाए, तो जाकर के सीधे 2-3 marks कट ऑफ डाउन हो जाएगा। अच्छा। इस बात को समझना है। यही छात्र समझते नहीं है, डायरेक्ट आपको कमेंट करने लगते हैं। हाँ। इस बात को समझना है और सभी शिक्षक और छात्र को मिल करके इस पे काम करना है, क्योंकि 25,000 लगभग वैकेंसी 87,000 में से अगली वैकेंसी में जुट जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए सर। 1 candidate 1 result बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा अभी बेचैनी जिस मुद्दे को लेकर है छात्रों में, वो है कट ऑफ। 1 candidate 1 result तो सर हमेशा से इस पर चर्चा भी हो रहा है और आवाज आगे भी उठाना है सर। कट ऑफ बताइए सर आप। नहीं, थोड़ा और हम कुछ बेसिक बात पे हम चर्चा कर देते हैं कि बाद में हमको चर्चा नहीं करना पड़े। जैसे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। कारण ये है कि अदर स्टेट के मेल हो या फीमेल हो, टोटल यूआर कैटेगरी के मेल पर फाइट करेंगे, पहले ये बात समझना है। और बाकी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, चाहे आपका यूआर फीमेल हो या बाकी रिजर्व कैटेगरी के हो, डायरेक्ट कम से कम अच्छा खासा मार्जिन दोनों में हो जाएगा। पहली बात, अभी यूआर कैटेगरी में मोर देन 60% स्टूडेंट अदर स्टेट का भी भाग ले रहे हैं हर एग्जाम में। 1-5, 4-6, 2-8, 9-10, 11-12, 60% से ज्यादा अदर स्टेट के हैं, 40% अथवा उससे कम बिहार के छात्र हैं। ये कट ऑफ को भारी प्रभावित करेगा। बाकी इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, और दूसरा ये भी समझना है, कट ऑफ को प्रभावित करेगा, जो कट ऑफ को बढ़ाएगा, आपका ये री एग्जाम है। मार्च में एग्जाम होना था, अगस्त में आकर के जुलाई में आपका एग्जाम हुआ, तो इतने समय मिल गया है, इसलिए लगातार छात्रों का परफॉर्मेंस आपका बढ़ता चला गया है। चलिए अब मूल चीजों पर आते हैं, हम 1-5 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, 1-5 की अगर कैटेगरी वाइज है सर, कैटेगरी वाइज। अच्छा। तो 1-5 में आप देखेंगे कि यूआर मेल का 80-82 कट ऑफ आपका 80 ± 2 आपका। अच्छा। रहेगा यूआर 80-82 1-5। हाँ। अच्छा। और फीमेल का 70 ± 2 आप कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस 67 ± 2 और यूआर फीमेल 60 ± 2। अच्छा। इसके बाद आप BC 2, यानी BC जिसको कहते हैं, मेल का 70 ± 2, बीसी फीमेल का 62 ± 2, BC 1 65 ± 2, BC 1 फीमेल का 55 ± 2, SC 54 ± 2 और SC फीमेल का 44 ± 2, ST मेल का 53 ± 2, ST फीमेल का 40 ± 2। ये सबसे कम कट ऑफ वाला रेंज है, इसलिए कि यहाँ पर आपका 28,076 वैकेंसी है। अच्छा। हाँ, ये बात 1-5 में, और लगभग 1,04,000 बच्चे इस एग्जाम में शामिल हुए हैं एक्चुअल। अच्छा। बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आयोग के अकॉर्डिंग 1,16,000 स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पर 1,04,000 अगर उर्दू को इसमें अलग कर देते हैं तो समान यही आपका रहेगा कट ऑफ। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सर का मतलब 40 से स्टार्ट होता है और 80 तक कट ऑफ यूआर का दे रहे हैं सर। और बाकी सर का कैटेगरी वाइज अगर फीमेल की बात करें तो 7 से 10 नंबर का अंतर भी फीमेल और मेल में देखने को मिल रहा है। 6-8 का कट ऑफ है। 6-8 में आप देख रहे हैं कि ये कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, साइंस मैथ में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज मेल का कितना वैकेंसी है, फीमेल का कितना वैकेंसी है, सोशल साइंस हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, ये सभी का दिया हुआ है। और इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है आपका कट ऑफ निकालने में, बाकी तो सारे क्राइटेरिया फॉलो करते ही है। 19,645 वैकेंसी ये 6-8 में सब मिला करके है, जिसमें मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सारे मिला करके 80% उपस्थिति छात्रों की रही है। 10.89 गुना छात्र हैं, यानी एक सीट पे इतने बच्चे फाइट कर रहे हैं एवरेज। लेकिन अगर इसी को हम अलग अलग सब्जेक्ट में विभक्त कर देंगे तो इसका परसेंटेज अचानक बहुत बदल जाएगा। हाँ। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे SST में मैक्सिमम भीड़ है, नंबर ऑफ वैकेंसी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो ये सब भी कारण आपका होगा। और अदर स्टेट का 60% प्लस विद्यार्थी है, बिहार का 40%
माइनस विद्यार्थी है, निगेटिव आपका नहीं है, एक्सपेक्टर हो। हाँ तो ये देखिए मैथ और साइंस की अगर हम बात करते हैं, टोटल वैकेंसी 6114 है, 357 मेल और 357 लगभग इतना ही फीमेल का, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल रहा है। मैथ 40 में से अगर अच्छे बच्चे होंगे 30 तक जरूर सही करेंगे, और साइंस में भी 30 लगभग सही करेंगे। कॉमन पेपर इजी टू मॉडरेट था तो 26 से 30 मान करके चल सकते हैं। इसके आधार पर देखा जाए तो जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा इसमें फाइनल संभावित कट ऑफ ये साइंस और मैथ का यूआर में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट की 90 रहेगा। हाँ 90 से 92 हाई कट ऑफ रहेगा, हाई कट ऑफ रहेगा, क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं चाहे मेल हो फीमेल सारा इसी पर फाइट कर रहे हैं। 9th-10th का मैथ का पेपर लो था 90 दे रहे हैं आप 6th-8th में। 9th-10th की बात नहीं है, 6th-8th मैथ और साइंस मिला करके है। और इसका अदर स्टेट का कट ऑफ आपका रहेगा। बाकी कैटेगरी में देखिए धराम से कट ऑफ गिरा है, फीमेल में आ जाइए 10 नंबर का मार्जिन है, 78 से 80 है। बीसी मेल में आ जाइए 82 से 84 है। बहुत को अभी ठीक नहीं लगता होगा, एक बार फाइनल रिजल्ट आने ज्यादा नहीं लग रहा है सर। मेरे हिसाब से जो हम आधार बना के मूल्यांकन किए हैं उसके आधार पर यही कट ऑफ है। बहुत को पसंद नहीं आएगा इसलिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है उतने का सिलेक्शन होना है, बाकी 3/4 को बाहर ही होना है। ये बात भी सत्य है, इसको समझना है। बीसी फीमेल 72 से 74, EWS मेल 80 से 82, EWS फीमेल 70 से 72, EBC मेल 78 से 80, EBC फीमेल 68 से 70, और साइंस में सॉरी SC में देख रहे हैं 74 से 76 मेल का, और SC फीमेल 62 से 64, ST मेल 73 से 75, और ST फीमेल 60 से 62। तो देख सकते हैं 6th-8th में 73 से, ST का 73 और UR का 90 से 92 दिए हैं कट ऑफ, 20 नंबर का है। और फीमेल में अगर बात करें तो 60 से 78, लगभग 18 नंबर, 60 18 नंबर का। और कैटेगरी वाइज भी चेंज होते रहा है। बाकी अब 9th-10th की बात करेंगे सर, SST में 6th-8th में 3710 टोटल वैकेंसी थी, मेल का 1855 लगभग इतना ही फीमेल का। हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट रहा था, पॉलिटिकल साइंस का भी मॉडरेट, इकोनॉमी इजी टू मॉडरेट और ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट था। और चूंकि सीट यहाँ पर एकदम मिनिमम है, बच्चों की संख्या मैक्सिमम है, तो स्वाभाविक रूप से ये कट ऑफ को प्रभावित करेगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यूआर कैटेगरी के 91 से 93, चूंकि सारे अदर स्टेट के बच्चे यहीं पर फाइट कर रहे हैं। इसके बाद यूआर मेल कैंडिडेट जो बिहार के हैं यहीं पर फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग श्रेणी में टॉपर स्टूडेंट होंगे, जो अधिक मार्क्स लाए होंगे, वो यूआर में जाकर उनका रिजल्ट हो जाता है, यहीं पर रिजल्ट होगा। क्रिमिलेयर कैंडिडेट का यहीं पर जाकर के फाइट करेंगे। इस सब कारण से आपका यहाँ कट ऑफ बहुत अंतर रहता है, और यहाँ लगभग 8 नंबर से 10 नंबर का अंतर चला गया फीमेल में, 82 से 84, और अब बीसी का 85 से 87, बीसी फीमेल का 76 से 78, ईडब्ल्यूएस का 83 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 77, ईबीसी मेल का 79 से 82, ईबीसी फीमेल का 72 से 74, एससी मेल का 77 से 78, एससी फीमेल का 70 से 73, एसटी मेल का 76 से 78, और एसटी फीमेल का 68 से 72। यही अगर आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाली बात होती तो सीधे और वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाता, सीधे 2 से 3 मार्क्स का अंतर आपका पड़ जाता, कम आता है निश्चित रूप से। अच्छा अब इसके अलावा आते हैं हिंदी का। हिंदी का आप देख रहे हैं कि 2865 वैकेंसी है टोटल, 88% उपस्थिति स्टूडेंट की रही है, इजी टू मॉडरेट लगभग क्वेश्चन रहा है। उसके आधार पर यूआर, चूंकि यूपी वाले का वैसे भी हिंदी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो 9191 से 93, और यूआर फीमेल में 82 से 84, बीसी मेल में 86 से 88, बीसी फीमेल में 80 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल में 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78 से 80, ईबीसी आप देख रहे हैं मेल में 82 से 84, ईबीसी फीमेल में 76 से 78, एससी मेल में 75 से 77, एससी फीमेल में 62 से 65, एसटी मेल में 77 से 79, एसटी फीमेल में 60 से 65। सबसे अधिक स्टूडेंट जो असंतुष्ट होंगे यहीं पर होंगे अधिक कट ऑफ के कारण, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वैकेंसी का भी यहाँ नहीं, SST की बात हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर स्टूडेंट को लगता है कि कट ऑफ लेकिन कभी ना कहीं सर हिंदी का भी आप 91 से 93 दिए, बिल्कुल क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आपका ऐसा कट ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन यही पूछा गया, हाँ 86 से 88% लगभग उपस्थिति रही थी, 3586 पोस्ट था, पोस्ट तो ठीक है, लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट टू टफ था, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन ये सब तो ठीक था, लेकिन बाकी का बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो 45 से 50 नंबर 80 में जो अच्छे स्टूडेंट होंगे जरूर 80 में से 45 नंबर उनको लाना चाहिए। आप जोड़ लीजिए लगभग
55% के अप्रोक्स हुआ, और कॉमन पेपर 25 से 30 मार्क्स, लेवल आप देख रहे हैं कॉमन पेपर का भी मॉडरेट लगभग था, और यूआर कैटेगरी मदर स्टेट यूआर क्रीमिलियर सब फाइट कर रहे हैं। इसके आधार पर फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करें इंग्लिश का 80 से 82 आपका आ गया, यूआर का यूआर फीमेल देखिए कितना हार्ड में भी 80 जाएगा सर, जाएगा 80, उससे कम आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, 80 से नीचे कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए अदर स्टेट वाले पूरे उस पर बहुत सारे टीचर्स सर इंग्लिश की बात करें तो 65, 67, 60 ऐसे कर रहे उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इतने दिन बाद हम कट ऑफ जारी किए हैं तो जरूर कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट को भी, अरे हम तो भगवान से चाहते हैं कि इसका कट ऑफ 10 नंबर कम आ जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन आपके लगभग 80, लेकिन मेरे अनुसार जो ये है अब रिजल्ट आएगा छात्र अपने दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। बीसी 68 से 70 यहाँ ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कि इसमें आपका कॉमन पेपर भी है, सिर्फ आपका मेन पेपर नहीं है, कॉमन पेपर मिला करके आपका 68 से 70 रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बीसी फीमेल का 62 से 64, ईबीसी मेल का 66 से 68, ईबीसी फीमेल का 60 से 62, एससी मेल का 60 से 62, एससी फीमेल का 54-55, एसटी मेल का 58-60 और 50 से 52 मात्र आपका एसटी फीमेल का आप देख रहे हैं। मतलब ये हिंदी का है? नहीं, इंग्लिश का, इंग्लिश। अब इसके बाद आ जाइए आप 9-10 सबसे ज्यादा अगर उतार चढ़ाव देखने को मिला तो वो 9-10 के पेपर में देखने को मिला, सब्जेक्ट वाइज की भी बात करें तो सर। बिल्कुल, और 9-10 में हमको लगता है सबसे ज्यादा छात्र हमसे नाखुश होंगे, क्योंकि कट ऑफ हम यहाँ पर मैक्सिमम दिए हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन कट ऑफ को लेकर छात्र काफी असंतुष्ट भी रह रहे हैं इस समय से, हमेशा से रहते आए हैं, अभी भी रहेंगे, क्योंकि आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते हैं। आप देखिए ना, पिछली बार नहीं रहने वाला, नहीं, आप पिछली बार मैथ में हम 84 से 87-86 कट ऑफ दिए थे, लेकिन कट ऑफ 94 चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों चला गया था इतना, बाकी सब्जेक्ट में एग्जैक्ट जाके बैठा, बहुत सारा रीजन है इसमें। आप स्टूडेंट एक से एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब एसएससी 9-10 की बात करें, यहाँ भी हिस्ट्री मॉडरेट था, क्वालिटी मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट था, ज्योग्राफी भी आपका मॉडरेट कर सकते हैं, और रिजल्ट ओवरऑल एवरेज के आधार पर निकाला जाएगा। टोटल वैकेंसी मात्र 1600 है, 940 मेल है और 581 फीमेल है, जो 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। अब यहाँ 32 गुना कंपटीशन है, आप ये समझिए 32 छात्रों पर एक छात्रों को लिए, तो क्यों नहीं कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा, इसमें तो जाएगा फिर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट के अनुसार 28 से 32 नंबर तक आपको एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटी में स्टूडेंट ला रहे हैं, लाना चाहिए उनको, और उसी हिसाब से कॉमन पेपर में भी 28 से 32 आपका, क्योंकि इजी टू मॉडरेट रहा है क्वेश्चन, उसी हिसाब से लाएंगे। और यहाँ पर यूआर के फाइटर कौन कौन है, अदर स्टेट मेल फीमेल यूआर मेल क्रीमिलेयर वाले बच्चे और कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मर है, अब ये एसएसटी का है सर। हाँ, अच्छा। इसके आधार पर आप देखिए 85 से 87, हाँ। इसका कट ऑफ यू आर मेल का हमने दिया है, अच्छा। और 10 नंबर का अंतर किया यू आर फीमेल में 75 से 77, अच्छा। बीसी मेल 76 से 78, बीसी फीमेल 69 से 71, ईडब्ल्यू एस मेल 75 से 77, ईडब्ल्यू एस फीमेल 68 से 70, ईबीसी मेल 63 से 75, ईबीसी फीमेल 65 से 67, एससी मेल 70 से 72, एससी फीमेल 62 से 64, एसटी मेल 71 से 73 और एसटी फीमेल 55 से 57। अब आ जाइए आप साइंस का, साइंस में भी बच्चों का संतुष्टि रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखेंगे 80 क्वेश्चन मेन पेपर में 80 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का था, 80 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसा था, 10 मैक्सिमम, जहाँ पर स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसमें कि बायो में ज्यादा परेशानी था, फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज अथवा एवरेज से बिलो था, तो लगभग 68 से लेकर 72 मार्क्स तक 80 में स्टूडेंट यहाँ ला रहे थे साइंस में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वही चीज यहाँ लिखे हैं, और 60 से 70 नंबर हम यहाँ पर लिखे हैं, तो इसके आधार पर कॉमन पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट था, तो इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनता है। फाइनल कट ऑफ आप देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ 93 से 95, ये मैक्सिमम कट ऑफ दिए हैं सभी, अच्छा। सब्जेक्ट एसएसटी से ज्यादा कट ऑफ इतना जाएगा सर, 93 से 95, ये अदर स्टेट का है, अच्छा। और यू आर फीमेल में 10 नंबर का मार्जिन है 83 से 85, बीसी 84 से 87, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आपका ये है 60-62 मान लीजिए, अगर उसमें भी लाते हैं 80 में, और इधर 20-25 लाते हैं, तो यहाँ बीसी इतना नहीं पहुंच जाएगा, तब भी स्टूडेंट का है कि वो अपने हिसाब से मूल्यांकन करते हैं, इतना ले आएगा, आप परीक्षा में बैठ करके देखिए तो पता चल जाएगा, वगैरह वगैरह, फिर भी छात्रों के अनुसार बहुत है सर। यहाँ पर कट ऑफ रहेगा आपका यू आर कैटेगरी में रहेगा, बाकी में कट ऑफ तो गिरावट हुआ ही है, लेकिन इससे भी कम जाने की संभावना आपकी नहीं बनेगी। एसटी में आप कह रहे हैं सर 74 से 77, एसटी फीमेल में 64 से 67, आप देखिए बीसी का ये फीमेल 79 से 82,
ईडब्ल्यूएस मेल 80-82-85, ईडब्ल्यूएस फीमेल 77-80, ईबीसी मेल 79-82, ईबीसी फीमेल 73-75, एससी मेल 77-79, एससी फीमेल 69-71 और एसटी मेल 74-77, एसटी फीमेल 64-67, लगभग 50% हुआ। ये 9th-10th का है। हाँ SST. हाँ बिल्कुल। अब TGT मैथ यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल TGT मैथ में और अब तक का ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी यहाँ पर हम दिए हैं। हाँ। आशा चूंकि पिछले बार 94 गया था कट ऑफ, पिछले बार क्वेश्चन का लेवल ज्यादा था तो 94 गया था। अलग बात है कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी तो इसमें पॉजिटिव है, आपको इतना समय मिला है। 94 जिनको 93-92 से छट गए थे वो पूरे बच्चे जी जान लगा दिए हैं। अच्छे स्टूडेंट को 70 से लेके 75 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं 80 में मैथ में। अच्छा। ये पता होना चाहिए क्या कट ऑफ दिए हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा हम दिए हैं क्योंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन 100-110 दे दिए हैं क्या सर? बिल्कुल दे दिए हैं 100-110 दे दिए, आपको दिखाते हैं। और मैक्सिमम फाइटर यहाँ पर भी यूआर में रहेंगे। हाँ। और चूंकि इजी टू मॉडरेट कॉमन पेपर भी था, दोनों मिला करके मेरिट बनना है। 68-72-80 नंबर में लाना बहुत बड़ा मैथ में आपका नहीं था, बहुत स्टूडेंट को खराब लगता होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को लेवल को जानेंगे समझेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ, अरे भाई मतलब 100-105 लिख दिए हैं सर। छात्र तो कमेंट कर रहे हैं कि 120 वाले अब सेफ नहीं है, वही हाल सर 100-105 लिखे हैं आप। निश्चित रूप से जिस तरह का मतलब क्वेश्चन 15 अंक कटेगा छात्रों का, निश्चित रूप से जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पूछा था, जिस हिसाब से कॉमन पेपर में क्वेश्चन पेपर था, तो अच्छे स्टूडेंट के आप एग्जाम का आप, प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है छात्रों का। बिल्कुल होता है। आप यहाँ पर एक डेटा देखिए, आप टोटल सीट कितना है आप ये देखिए, मैथ में मेल में मात्र 526 सीट, मात्र 526 सीट है। ये यूआर मेल में 526 सीट है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 526 सीट पर कितने बच्चे फाइट करेंगे। हाँ। ये चीज देखना होगा, उसके आधार पे आपको मूल्यांकन करना। अच्छा। है ये मतलब कैटेगरी जा सकता है ना मैथ का कट ऑफ इस बार 100 से 105 सबसे बड़ी कट ऑफ दे रहे हैं नवीन सर। अभी तक किसी शिक्षक ने 100 कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिया। नवीन सर का कहना है कि मैथ 9th-10th का कट ऑफ इस बार 100 से 105 जा सकता है। बाकी सर यहाँ लिखे भी है 100 से 105 9th-10th का कट ऑफ अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। यहाँ पर जैसे ही आप फीमेल पर आएंगे 92-95 आ गया, 8 मार्क्स का यहाँ पर मार्जिन आपका चला गया। फीमेल भी 92-95 फीमेल का आ गया और बीसी मेल में 95-100 आ गया, बीसी फीमेल में 90-93 आ गया और ईडब्ल्यूएस में 94-98 गया है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 89-91 गया है, ईबीसी मेल में 91-93 गया है, ईबीसी फीमेल में 86-88 गया है और एससी मेल में 86-89 गया है, एससी फीमेल में 78-80 गया है, एसटी मेल में 84-87 गया है और एसटी फीमेल में 72-75 गया है। ये हाईएस्ट कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ दे रहे हैं अभी तक किसी भी सब्जेक्ट का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ये है। अभी तक का आप तैयारी पूरे तैयारी में का आप भी सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे आते हैं तो टीजीटी इंग्लिश, फिर वही बात आ गई इंग्लिश में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर क्वेश्चन का लेवल आपका रहा था। यूआर में यहाँ पर भी 80-82 फीमेल में देखिए कितना, लेकिन इंग्लिश बहुत हार्ड था सर, 80 ला पाएंगे छात्र? ये यूआर मेल में चूंकि सीट ही ओवरऑल अदर स्टेट के स्टूडेंट कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ाते हैं। अच्छा। इस कारण से यहाँ पर आपको सब सब्जेक्ट में यूनिक मिलेगा। हाँ, यूआर में, यूआर मेल में। हाँ, फीमेल में देखिए 12 नंबर घट गया है। अच्छा। 68-70 है, यहाँ बीसी में 70-72 है, क्योंकि इसमें कॉमन पेपर में भी तो आपको मार्क्स लाना है, ये भी 40 में वहाँ आपको सामान्य क्वेश्चन रहता है। तो बीसी में, हाँ बीसी फीमेल में 65-67, ईडब्ल्यूएस मेल में 68-71, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63-65 और ईबीसी 64-67 मेल में, ईबीसी फीमेल में 60-63, एससी मेल में 60-63, एससी फीमेल में 54-57, एसटी मेल में 57-60, एसटी फीमेल में 49-53। अब ऐसे आप इसको समझिए, जैसे इसी का गणित हम बताते हैं, जैसे एक मेन पेपर हो गया और दूसरा आपका कॉमन पेपर हो गया। कॉमन पेपर 40 नंबर का होता है, 40 में 25 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब 25 नंबर यहाँ लाते हैं तो यहाँ आपको 80 नंबर रहता है, 80 में 40-45 आप लाइएगा कि नहीं, 50-55% जा सकता है कट ऑफ। हाँ, इस हिसाब से आप देख लीजिए, 45 इसमें जोड़ेंगे तो 70 के करीब ये पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति रही। अब एक हिंदी की बात है, हिंदी का जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था
तो 90 से 92 इसका कट ऑफ यू आर का, फीमेल का 10 नंबर का मार्जिन हो गया लगभग 82 से 84 और 84 से 86 अप्रोक्स आपका बीसी मेल का, बीसी फीमेल का 80 से 82, ईडब्ल्यू एस मेल का 83 से 85, ईडब्ल्यू एस फीमेल का 78 से 80, ईबीसी मेल का 81 से 83, ईबीसी फीमेल का 75 से 77, एससी मेल का 76 से 78, एससी फीमेल का 70 से 72, एसटी मेल का 74 से 76, एसटी फीमेल का 64 से। इस बार सर का, सर के अनुसार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, किसी भी सब्जेक्ट में यूआर का 80 से नीचे नहीं रहने वाला है। बाकी हिंदी में भी सर कह रहे हैं 90, मैथ में सबसे ज्यादा, अभी तक के पूरे तैयारी के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं सर, खुद नवीन सर अभी तक नहीं दिए हैं, 100 से 105 बोल रहे हैं मैथ का कट ऑफ। बाकी का भी जान लेते हैं सर, और है 11-12 का सर, वो अब नेक्स्ट डे 11-12 का है। बाकी सर आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा कट ऑफ दे रहे हैं छात्र, कमेंट बार बार वीडियो में कह रहे थे कि नवीन सर से कट ऑफ लीजिए, नवीन सर हल्का कम बताएंगे, और आप तो सभी टीचर से हाई बोल दिए सर। जैसे कि कम बताते तो निश्चित रूप से हमको भी खुशी होती और तमाम छात्रों को भी खुशी होती है हल्का अगर कट ऑफ बताते, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपको करवी जरूर है लेकिन करवी घूंट आपको पीना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि लगातार स्टूडेंट तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उसी हिसाब से कट ऑफ दिया गया है। और करते हैं सर छात्र, जैसे ही किसी सब्जेक्ट का हाई कट ऑफ कोई बोलता है, कोई भी टीचर छात्र बोलता है कि 120 वाले भी सेफ नहीं है। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि सभी दिन से कट ऑफ पर आपत्तियां उठती रही है, हाँ उठती रहेगी, क्योंकि और हम तो चाहते हैं कि मेरे, हम जो कट ऑफ दिए हैं मेरा गलत हो जाए, 10-15 नंबर कम हो जाए, एकदम कम हो जाए, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। हाँ, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। लेकिन जो अपने आधार पर हमने मूल्यांकन किया, मैं भी मेरा मूल्यांकन का तरीका गलत हो, मैं भी हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किए हो, मैं भी जो लेवल एक्चुअल हमको दिख रहा है उस हिसाब से हम मूल्यांकन किए, हो सकता है कि मेरा देखने का नजरिया अलग हो। तो बाकी बहुत सारा कुछ सोचने समझने के बाद, हर सब्जेक्ट को गहनता से समझने के बाद, लगभग तैयारी एग्जाम होने के 4 से 5 दिन बाद कट ऑफ जारी कर रहे हैं, और सर का कट ऑफ सभी टीचरों के कट ऑफ को देखें या जितने भी कट ऑफ को देखें, थोड़ा 5-7 नंबर 10 नंबर किसी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा बता रहे हैं सर। बाकी सर का साफ कहना है कि इस बार कंपटीशन लेवल को देखते हुए, नंबर ऑफ सीट को देखते हुए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट को देखते हुए, कट ऑफ इस बार कम नहीं रहने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज, जय हिंद।